आगरा पहुंची अभिनेत्री दिव्या दत्ता बताया कि फिल्म जगत में कौन है उनका आदर्श रिश्तों के बारे में खुलकर की बात। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने अभिनेत्री दिव्या दत्ता आगरा पहुंची। यहां उन्होंने बताया कि फिल्म जगत में उनका आदर्श कौन है, साथ ही रिश्तों के बारे में उन्होंने खुलकर बात की। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिने स्टार दिव्या दत्ता पहुंची। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सुंदर बनाए रखने के लिए हर रोज काम करना पड़ता है। एक दूसरे का ख्याल, मनोस्थिति को समझना और सुख दुख बांटने से ही मजबूती आती है। हर रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। दरअसल मौका था स्पाइसी शुगर संस्था के उद्घाटन सत्र का। इसमें बतौर मुख्य वक्ता अभिनेत्री दिव्या दत्ता रूबरू हुई। वीर जारा, भाग मिल्खा भाग, धाकड़ जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के रंग बिखेर चुकी दिव्या से संस्था की अध्यक्ष पूनम सचदेवा ने विभिन्न पहलुओं पर सवाल जवाब किए। उन्होंने जीवन के रिश्ते के बारे में खुलकर बात की। इस मौके पर चांदनी ग्रोवर, पावनी सचदेवा, मीनू इलाहाबादी, रश्मि बंसल, कविता अग्रवाल, निधि वाधवा, गरिमा बंसल, सिमरन, सुप्रिया, मिनी मंजरी, रश्मि मित्तल, प्रिया सरकार, रेनू लांबा, अंजलि अग्रवाल, ऋचा वर्मा, माधुरी, रोली सिन्हा आदि लोग मौजूद थे। दिव्या दत्ता फिल्म जगत में अपनी आदर्श शबाना आजमी के मंडी फिल्म के किरदार को निभाने की इच्छा रखती हैं। फिल्म जगत के बदलते दौर के बारे में उन्होंने OTT और वेब सीरीज को बेहतर बताया। जल्द ही उनकी दो वेब सीरीज आने वाली है।